सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों बहुत लोग वेट कर रहे हैं सैमसंग के M40 फोन को लेकर। M40 आएगा 11 तारीख को, इसका स्पेसिफिकेशन भी आ गया है। आज सुबह हमने एक वीडियो डाला है जिसमें M40 के बारे में टोटल डिटेल सबको बताया है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर रहेगा, ट्रिपल कैमरा रहेगा, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले आपको मिलेगा, मगर एक डाउन ग्रेड भी है वो है बैटरी को लेकर। बैटरी इसमें 3500 एमएएच तक बैटरी आपको देखने को मिलेगा और इसका प्राइस रहेगा कुछ 20,000 तक, यानी कि 20,000 के फ़ोन में 3500 एमएएच बैटरी रहेगा जो एक डाउन ग्रेड है। मगर ये सब रूमर्स से 11 तारीख को पूरा डिटेल्स आ जाएगा, फ़ोन भी लॉन्च हो जाएगा, तब हम देखेंगे इस फोन में एक्चुअली 3500 एमएएच बैटरी है या 5000 बैटरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या क्या टेक न्यूज़ है। दोस्तों सैमसंग के और एक फ़ोन आने वाला है इंडिया में, वो है सैमसंग A80। इस फोन का भी स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छे, 6.7 इंची FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्रोसेसर रहेगा वो रहेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G और इसका जो हाईलाइट है वो है कैमरा। इसमें जो रियर कैमरा रहेगा वो 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, मगर ये रियर कैमरा है आपको फ्रंट कैमरा का भी काम करेगा, यानी कि पहली बार सैमसंग की तरफ से आ रहा है रोटेट कैमरा। जो कैमरा रियर में फोटो लेगा वही कैमरा सेल्फी भी लेगा, यानी कि कैमरा क्वालिटी बहुत ही आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा इस फोन में। और मगर इस फोन में एक डाउनग्रेड भी है, वो है इसको बैटरी। इसका जो बैटरी मिलेगा वो मिलेगा 3700 mAh का, यानी कि बहुत बड़ी बैटरी आपको इस फोन में नहीं देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ है इसका कीमत, कुछ रहेगा 45,000 से 50,000 तक, मतलब 45,000 से 50,000 तक जो प्राइस होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा 730G, मतलब देखा जाए तो बहुत ही ओवर प्राइस होता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने देखा था कि हुआवे को बैन कर दिया यूनाइटेड स्टेट, और इसमें चाइना भी बहुत गुस्सा हो गया है। चाइना भी यूनाइटेड स्टेट का जितना भी कंपनी है उसको बैन करने वाला है। उसमें इंटेल हो गया, क्वालकॉम हो गया, एप्पल हो गया, ऐसा बहुत से कंपनी के ऊपर एक लिस्ट बना रहे जो चाइना बोलना चाहता है कि उसके लॉ के अगेंस्ट जो जो कंपनी है यूएस का कंपनी है उसको चाइना बैन कर देगा। यानी कि दोनों देश में जो वॉर चल रहे उसके अंदर आ गए हैं ये सब कंपनी। इसमें क्या होगा, दोनों देशों का वॉर होगा, दोनों देशों का लड़ाई होगा, मगर इसमें घाटा सबसे ज़्यादा होगा इस कंपनी का। अभी देखते हैं, एक्चुअली चाइना चाहता है कि हुआवे के ऊपर से बैन उठा दे अमेरिका, मगर अमेरिका ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं है, वो बैन करेगा। अगर चाइना भी चाहे यूनाइटेड स्टेट का ऐसे कंपनियों को बैन करेगा तो इसके बाद चाइना का जितना भी कंपनी है यूएस में उसको भी यूएस यूनाइटेड स्टेट बंद कर देगा। अभी देखना है कब ये वॉर थमे। दोस्तों ये न्यूज़ है रेडमी की तरफ से। जो जो दोस्त रेडमी नोट 5 प्रो और नोट 6 प्रो इस्तेमाल करते हो उसके लिए रेडमी नोट 5 प्रो और नोट 6 प्रो में पाई अपडेट का रोल आउट चालू हो गया है। अभी तक आपने अपडेट नहीं किया तो अभी आप अपडेट कर लो, आपके फ़ोन में ऑलरेडी पाई अपडेट का आ गया है और ये कुछ 1 GB तक इसका है, क्योंकि MI उसका UI को भी अपडेट किया है, उसके साथ पाई अपडेट भी डाल दिया है। ये अपडेट कुछ 1 GB के ऊपर है, तो जल्दी से आप अपडेट कर लो और पाई अपडेट के मजा उठाना चालू कर दो। मी बैंड 4 बहुत ही जल्दी आने वाला है और इसका एक लाइव इमेज भी निकल गया है। तो इसका जो अभी कलर होगा डिस्प्ले होगा वो डिस्प्ले काला डिस्प्ले होगा, अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट देखता था, अभी जो डिस्प्ले आएगा वो काला डिस्प्ले आएगा, ऐसा रूमर आ गया है। उसका लाइव पिक्चर भी आ गया है, वो लाइव पिक्चर में दिखा रहे हैं कि उसका जो डिस्प्ले होगा वो काला डिस्प्ले होगा। यानी कि अभी तक आप मी बैंड 3 जो यूज़ करते हो, अभी चाहते हो तो मी बैंड 4 भी आप ले सकते हो, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। दोस्तों इंडिया में अभी तक 5G आया नहीं, अगर देखा जाए तो 4G भी ठीक तरीके से हर एक जगह पे मिल रहा नहीं। और चाइना उधर क्या कर रहे हैं, चाइना उधर उसका 6G वो भी डेवलप करना चालू कर दिया, यानी कि वो 6G लाने की कोशिश में लग गए हैं। मतलब भारत में अभी तक 5G आने के भी कुछ 2-3-4 साल लग जाएगा, मगर ऑलरेडी काम चालू कर दिया है 6G लेकर चाइना। मतलब देखा जाए तो चाइना बहुत ही एडवांस है हमारे इंडिया से। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल वीडियो इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।